माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमबीसी आर्किटेक्चर डायग्राम के बारे में जानेंगे कि एमबीसी आर्किटेक्चर डायग्राम क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, इसके पार्ट का क्या कार्य है, ये क्या क्या करते हैं, ये किस तरह किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हैं, ये डेटाबेस को कैसे डिफाइन करते हैं, ये क्या क्या होता है। सबसे पहले शुरू करते हैं एमबीसी। एमबीसी क्या होता है? एमबीसी जो है, इट इज एन एप्लीकेशन डेवलपमेंट पैटर्न डिवाइड इंटू थ्री पार्ट्स, या एप्लीकेशन डेवलपमेंट पैटर्न है। एमबीसी क्या है? एप्लीकेशन डेवलपमेंट पैटर्न है, यह तीन भागों में डिवाइड है। पहला क्या है? पहला है मॉडल, दूसरा व्यू, इसके बाद कंट्रोलर। मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। मॉडल क्या करता है इसके बारे में देखिए। मॉडल इन एमबीसी रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द डेटा, इट आल्सो स्टोर डेटा एंड इट रिलेटेड लॉजिक। ये क्या करता है देखिए, यहाँ पर मॉडल क्या करता है, डेटा को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है और इससे संबंधित लॉजिक है उसको देता है। ठीक है, एमबीसी जो है क्या करेगा, मॉडल एमबीसी में मॉडल क्या करेगा, डेटा का आकार को डिफाइन करता है और यह डेटा और उससे संबंधित तर्क को संग्रहित करता है। डेटा और उससे संबंधित तर्क को क्या करेगा, ये स्टोर करेगा, संग्रहित करेगा। ठीक है, और व्यू क्या होता है, यहाँ पर देखिए, व्यू इन एमबीसी इज यूजर इंटरफेस। व्यू क्या है? एक यूजर इंटरफेस है, जैसे जिसके द्वारा यूजर जो है इसको समझ सकता है। किसी भी एप्लीकेशन को समझने के लिए यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है, जो यूजर उसको आसानी से समझ सकता है। इट इज रिप्रेजेंट द प्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, या डेटा को किस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है, चार्ट फॉर्म में, डायग्राम के रूप में और टेबल्स के रूप में। व्यू क्या करता है? व्यू जो है कंट्रोलर से अनुरोध की क्या करता है, प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी, और स्वयं अपडेट करता है, स्वयं को क्या करता है, अपडेट करता है। व्यू एक यूजर इंटरफेस है जो यूजर को मॉडल डेटा प्रदर्शित करता है, यूजर का मॉडल डेटा यहाँ पर प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो यूजर का मॉडल डेटा होगा, जो यहाँ से डेटाबेस से लिया गया होगा, उसको प्रदर्शित करता है और संशोधन व संशोधन करने में भी सक्षम है। और जो करेंट डेटा है, करेंट डेटा को चार्ट के रूप में, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चार्ट के रूप में, डायग्राम के रूप में और टेबल के रूप में प्रदर्शित करता है। व्यू जो है एक इंटरफेस है जो डेटा को टेबल, चार्ट और किस प्रकार से वो डिफाइन करता है, टेबल के रूप में या दर्शाता है। पहला जो है मॉडल क्या करता है, यह जो है डेटा के स्ट्रक्चर को स्टोर करता है, और दूसरा क्या है, व्यू जो है इंटरफेस की तरह कार्य करता है, जो क्या करता है, डेटा को चार्ट के रूप में, डायग्राम के रूप में और टेबल के रूप में दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या है? नियंत्रक। कंट्रोलर को हिंदी में क्या कहते हैं? नियंत्रक कहते हैं। कंट्रोलर क्या कर सकता है? ए कंट्रोलर इन एमबीसी इज ए पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, या एक एप्लीकेशन का हिस्सा होता है, जो क्या करता है, विच हैंडल द यूजर्स रिक्वेस्ट, या यूजर के अनुरोध को क्या करता है, यूजर के अनुरोध को पर इंटरेक्शन करता है, संभालता है, यूजर के रिक्वेस्ट को क्या हैंडल करता है, एंड यूजर इंटरेक्शन और यूजर के इंटरेक्शन को संभालता है। या कंट्रोलर क्या करता है, एक एप्लीकेशन का हिस्सा होता है, या यूजर के अनुरोध और उसके इंटरेक्शन को संभालता है। कंट्रोलर अनुरोध को और इंटरेक्शन को क्या करता है, संभालता है। ए कंट्रोलर ट्रांसफर ए कमांड टू ए मॉडल, या कमांड मॉडल को एक क्या करता है, कमांड देता है, मॉडल को एक कमांड भेजता है और क्या करता है, यह कमांड भेजता है और अपडेट करता है, और क्या करता है, अपडेशन के लिए वह कमांड भेजता है। इट आल्सो मैनेज द एचटीटीपी
HTTP क्या है? HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या यूजर को व्यू के द्वारा उठाए गए HTTP, यानी HTTP के जो रिक्वेस्ट हैं, HTTP रिक्वेस्ट को रेज करता है, यानी उसको प्रबंधित करता है। कैसे वो कार्य करेगा या किसके द्वारा होगा? कंट्रोलर के द्वारा। कंट्रोलर क्या करता है? यह एक एप्लीकेशन का हिस्सा होता है जो यूजर के अनुरोध और इंटरेक्शन को संभालता है और मॉडल को एक कमांड भेजता है, या यूजर और व्यू के दृश्य को क्या करता है? मैनेज करता है। यूजर और व्यू के जो रिक्वेस्ट HTTP पर भेजा जा रहा है, HTTP पर जो रिक्वेस्ट सेंड किया जा रहा है, उसको क्या कर सकता है? या रेज करता है और उसको मैनेज करता है। तो ये जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंट्रोलर है, इसके बाद यहाँ पर व्यू, यह व्यू है और ये मॉडल है। ये दूसरे एक दूसरे से क्या है? लिंक्ड है। यहाँ से डेटाबेस लिया जा रहा है और यूजर जो है इसको देख सकता है। यूजर क्या कर सकता है? यहाँ पर देखिए, कंट्रोलर यूजर जो भी निर्देश जो भी चाहता है उसको देख सकता है, कंट्रोल कर सकता है, अपना डेटाबेस ले सकता है, स्ट्रक्चर समझ सकता है। तो MVC में 3 पार्ट होते हैं। MVC में क्या कौन कौन से पार्ट है? मॉडल के बाद व्यू, और व्यू के बाद क्या है इसमें? कंट्रोलर। मॉडल क्या करता है? मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है? डेटा को डिफाइन करता है, डेटा के आकार को रिप्रेजेंट करता है। और व्यू क्या करता है? एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है। और कंट्रोलर क्या करता है? कंट्रोलर क्या करता है? यूजर के इंटरेक्शन और जो भी रिक्वेस्ट है HTTP पर, उसको क्या करता है? उसको संभालता है, उस पर एक्टिविटी करता है। कोई भी कार्य करना होगा तो कौन करेगा? कंट्रोलर करेगा। यदि नहीं करना है तो कंट्रोलर नहीं करेगा। लेकिन जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे वह किसके द्वारा फॉलो किया जाएगा? HTTP पर जो भी अनुरोध प्राप्त होगा वह यूजर और व्यू के द्वारा जो भी अनुरोध HTTP पर प्राप्त होगा उसको कंट्रोलर क्या करेगा? प्रबंधित करेगा, उसको कराएगा, उसको पूर्ण कराएगा। तो ये रहा आज का MCB मॉडल। MCB मॉडल का प्रयोग प्रोग्रामिंग में हम लोग करते हैं। मैंने छोटा सा वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि MVC मॉडल क्या होता है, MVC मॉडल में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और उनका क्या कार्य है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, और यदि तक अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग MVC आर्किटेक्चर डायग्राम के बारे में जानेंगे कि MVC आर्किटेक्चर डायग्राम क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, इसके पार्ट का क्या कार्य है, ये क्या क्या करते हैं, ये किस तरह किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हैं, ये डेटाबेस को कैसे डिफाइन करते हैं, ये क्या क्या होता है। सबसे पहले शुरू करते हैं MVC। MVC क्या होता है? MVC जो है, इट इज एन एप्लीकेशन डेवलपमेंट पैटर्न डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, या एप्लीकेशन डेवलपमेंट पैटर्न है। MVC क्या है? एप्लीकेशन डेवलपमेंट पैटर्न है, यह 3 भागों में डिवाइड है। पहला है मॉडल, दूसरा व्यू, इसके बाद कंट्रोलर। मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। मॉडल क्या करता है इसके बारे में देखिए। मॉडल इन MVC रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द डेटा, इट आल्सो स्टोर डेटा एंड इट रिलेटेड लॉजिक। ये क्या करता है देखिए, यहाँ पर मॉडल क्या करता है? डेटा को क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है, और इससे संबंधित लॉजिक है उसको देता है, ठीक है। MVC जो है क्या करेगा? मॉडल MVC में मॉडल क्या करेगा? डेटा का आकार को डिफाइन करता है, और यह डेटा और उससे संबंधित तर्क को संग्रहित करता है। डेटा और उससे संबंधित तर्क को क्या करेगा? ये स्टोर करेगा, संग्रहित करेगा, ठीक है। और व्यू क्या होता है? यहाँ पर देखिए, व्यू इन MVC इज यूजर इंटरफेस। व्यू क्या है?
एक यूजर इंटरफेस है जिसे जिसके द्वारा यूजर जो है इसको समझ सकता है। किसी भी एप्लीकेशन को समझने के लिए यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है जो यूजर उसको आसानी से समझ सकता है। इट इज रिप्रेजेंट द प्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, या डेटा को किस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है, चार्ट फॉर्म में, डायग्राम के रूप में और टेबल्स के रूप में। व्यू क्या करता है, व्यू जो है कंट्रोलर से अनुरोध की क्या करता है, प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी, और स्वयं अपडेट करता है, स्वयं को क्या करता है, अपडेट करता है। व्यू एक यूजर इंटरफेस है जो यूजर को मॉडल डेटा प्रदर्शित करता है, यूजर का मॉडल डेटा यहाँ पर प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो यूजर का मॉडल डेटा होगा, जो यहाँ से डेटाबेस से लिया गया होगा, उसको प्रदर्शित करता है और संशोधन व संशोधन करने में भी सक्षम है, और जो करेंट डेटा है करेंट डेटा को चार्ट के रूप में, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चार्ट के रूप में, डायग्राम के रूप में और टेबल के रूप में प्रदर्शित करता है। व्यू जो है एक इंटरफेस है जो डेटा को टेबल, चार्ट और किस प्रकार से वो डिफाइन करता है, टेबल के रूप में या दर्शाता है। पहला जो है मॉडल क्या करता है, यह जो है डेटा के स्ट्रक्चर को स्टोर करता है, और दूसरा क्या है, व्यू जो है इंटरफेस की तरह कार्य करता है जो क्या करता है, डेटा को चार्ट के रूप में, डायग्राम के रूप में और टेबल के रूप में दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या है, नियंत्रक। कंट्रोलर को हिंदी में क्या कहते हैं, नियंत्रक कहते हैं। कंट्रोलर क्या कर सकता है, ए कंट्रोलर इन एमवीसी इज ए पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, या एक एप्लीकेशन का हिस्सा होता है जो क्या करता है, विच हैंडल द यूजर्स रिक्वेस्ट, या यूजर के अनुरोध को क्या करता है, यूजर के अनुरोध को पर इंटरेक्शन करता है, संभालता है, यूजर के रिक्वेस्ट को क्या हैंडल करता है, एंड यूजर इंटरेक्शन, और यूजर के इंटरेक्शन को संभालता है। जब कंट्रोलर क्या करता है, एक एप्लीकेशन का हिस्सा होता है या यूजर के अनुरोध और उसके इंटरेक्शन को संभालता है। कंट्रोलर अनुरोध को और इंटरेक्शन को क्या करता है, संभालता है। ए कंट्रोलर ट्रांसफर ए कमांड टू ए मॉडल, या कमांड मॉडल को एक क्या करता है, कमांड देता है, मॉडल को एक कमांड भेजता है, और क्या करता है, या कमांड भेजता है और अपडेट करता है, और क्या करता है, अपडेशन के लिए वह कमांड भेजता है। इट आल्सो मैनेज द एचटीटीपी क्या है, एचटीटीपी एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या यूजर को व्यू के द्वारा उठाए गए एचटीटीपी यानी एचटीटीपी के जो रिक्वेस्ट हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट को रेज करता है यानी उसको प्रबंधित करता है, कैसे वो कार्य करेगा, या किसके द्वारा होगा, कंट्रोलर के द्वारा। कंट्रोलर क्या करता है, यह एक एप्लीकेशन का हिस्सा होता है जो यूजर के अनुरोध और इंटरेक्शन को संभालता है, और मॉडल को एक कमांड भेजता है, या यूजर और व्यू के दृश्य को क्या करता है, मैनेज करता है। यूजर और व्यू के जो रिक्वेस्ट एचटीटीपी पर भेजा जा रहा है, एचटीटीपी पर जो रिक्वेस्ट सेंड किया जा रहा है, उसको क्या कर सकता है, या रेज करता है और उसको मैनेज करता है। तो ये जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंट्रोलर है, इसके बाद यहाँ पर व्यू, ये व्यू है और ये मॉडल है, ये दूसरे एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। यहाँ से डेटाबेस लिया जा रहा है और यूजर जो है इसको देख सकता है। यूजर क्या कर सकता है, यहाँ पर देखिए कंट्रोलर, यूजर जो भी निर्देश चाहता है उसको देख सकता है, कंट्रोल कर सकता है, अपना डेटाबेस ले सकता है, स्ट्रक्चर समझ सकता है। तो एमवीसी में तीन पार्ट होते हैं, एमवीसी में क्या कौन कौन से पार्ट है, मॉडल, मॉडल के बाद व्यू, और व्यू के बाद क्या है इसमें, कंट्रोलर। मॉडल क्या करता है, मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है, डेटा को डिफाइन करता है, डेटा के आकार को रिप्रेजेंट करता है, और व्यू क्या करता है, एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है।
और कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर क्या करता है, यूजर के इंटरेक्शन और जो भी रिक्वेस्ट है एचटीटीपी पर उसको क्या करता है, उसको संभालता है, उस पर एक्टिविटी करता है। कोई भी कार्य करना होगा तो कौन करेगा, कंट्रोलर करेगा। यदि नहीं करना है तो कंट्रोलर नहीं करेगा, लेकिन जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे वह किसके द्वारा फॉलो किया जाएगा, एचटीटीपी पर जो भी अनुरोध प्राप्त होगा वह यूजर और व्यू के द्वारा जो भी अनुरोध एचटीटीपी पर प्राप्त होगा उसको कंट्रोलर क्या करेगा, प्रबंधित करेगा, उसको कराएगा, उसको पूर्ण कराएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, और यदि तक अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।